हेलो, जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? तो आशा है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? तो हम लोग पढ़ रहे थे भारतीय अर्थव्यवस्था। और भारतीय अर्थव्यवस्था में हम लोग कब से कब तक पढ़ रहे हैं? तो अभी तो हम लोग इस लेक्चर में पढ़ रहे हैं कहाँ से कहाँ तक, तो 1950 से लेकर 1990 तक। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जब हम लोग का देश आजाद हुआ 1950 में, मानते हैं 1947 में हुआ, लेकिन संविधान लागू होता है 1950 में और नीतियां तभी यहीं से बनती हैं। ठीक है, तो जब 1950 में हम लोग का देश जो है, हम लोग का देश जब आजाद होता है और जब हम लोग नीतियां बनाते हैं, तो 1950 से लेकर 1990 तक आखिर हम लोगों ने कौन कौन सी नीतियां बनाई हैं और कितने सफल रहे हैं, वही इस चैप्टर में समझना है हम लोग। तो क्या हम लोग पढ़ रहे हैं? अभी बैकग्राउंड पढ़ रहे हैं। दो तीन पीरियड में पढ़ना था हम लोग को। पहला पीरियड 1950 से पहले, यानी आजादी के पूर्व। तो हम लोगों ने देखा इसके पहले वाले क्लास में कि क्या क्या बातें हैं, अंग्रेजों ने क्या किया हम लोगों के देश पर, कितना शोषण किए हैं ये लोग, वो चीज देख चुके हैं। फिर 1950 से लेकर के 1990 तक हम लोगों को क्या देखने को मिलता है? 1950 से लेकर के 1990 को हम लोग को देखने को मिलता है कि इसमें जो है कौन कौन सी नीतियां थी जो हमारे जो है नव निर्माण जो हम लोग को बना देश का, तो उसमें जो हमारे जो राजनेता लोग थे आखिर कौन कौन से डिसीजन लेते हैं इस देश को बचाने के लिए, इस देश के खाद्यान्न के लिए, इस देश की परिस्थितियों के लिए और हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए। तो अर्थव्यवस्था पढ़ना बहुत जरूरी है। अगर आप जो है किसी एग्जाम की तैयारी नहीं भी कर रहे हैं, अगर आप नॉर्मल व्यक्ति हैं, बस आपके पास टाइम है, तो आप इसको देख सकते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था को बिल्कुल नॉर्मल वे में पढ़ाया जाएगा, आपको समझाया जाएगा। हम लोग, मैं पढ़ाने का काम नहीं करता हूँ, मैं आपको चाहता हूँ कि समझा दूँ और मैं उसमें विश्वास रखता हूँ कि मैं आपको मछली पकड़ना सिखाऊँ। मछली जो है पकड़ कर मैं देना आपको नहीं चाहता। तो आप लोग क्या बनेंगे? सेल्फ डिपेंडेंट। ठीक है, ऐसा नहीं कि मैं पढ़ाऊंगा आप ही पढ़ेंगे, बस थोड़ा सा पढ़ कर मेरा आइडिया ले लीजिए, फिर आप पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं। एक बार हमसे पढ़ लीजिए, फिर आप दूसरी बार खुद अपने पढ़ने लायक हो जाएंगे। और तीसरी फेज में क्या देखेंगे हम लोग? तो 1990 में क्यों यहाँ पर टाइम पीरियड दिया गया है? तो 1990 में आया था आर्थिक मंदी का दौर हमारे भारत में। और जो 1990 में हम लोग साइन करते हैं LPG पर, और इसी समय हम लोग जो है 8 जो 7 बिलियन पैसा भी लेते हैं विदेशी मुद्रा से। ठीक है ना, विदेशियों से, यानी जो विदेशी जो संगठन बने हैं वहां से, जैसे IMF हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया। तो हम लोग वहां देखेंगे क्या क्या बातें हैं। और फिर हम लोग के देश में लागू होता है LPG, इसको हम लोग वहां देखेंगे, यहाँ देखेंगे। फुल फॉर्म बता दें आपको, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। और आप जानते होंगे इसका नाम, तो इसको हिंदी इंग्लिश में दोनों में कमेंट करिएगा। चलते हैं हम लोग, आज का टॉपिक क्या हुआ था? आज हम लोग को टॉपिक पढ़ना था हरित क्रांति। ठीक है ना, क्या देखना था? हरित क्रांति। हम लोग ने पंचवर्षीय योजनाओं का लक्ष्य देख लिया है, हम लोग को देखना है हरित क्रांति। अब देखिए, समझिए, ध्यान से सुनिएगा। स्वतंत्रता के समय देश की 75% जनसंख्या कृषि पर आश्रित थी, और यही हम लोग के देश में जो है बहुत बड़ी चिंता थी। क्योंकि आप सोच कर देखिए ना, हमारे देश की अगर 100 लोगों में 75 लोग कृषि में ही लगे हुए हैं, क्या आपको लगता है कि इतने लोगों की आवश्यकता है? क्या ये 75 लोग कृषि में नहीं रहेंगे तो कृषि नहीं होगी? होगी। आप गांव में देखते होंगे कि कुछ ऐसे आपको घर मिलेंगे जो कृषि को लेकर बैठे हुए हैं। ठीक है ना, क्या कर रहे हैं? कृषि को लेकर बैठे हुए हैं। वो वही जन्म देता है प्रचंड बेरोजगारी को। समझ रहे हैं ना आप लोग, कि मतलब वह काम जो है, जो कृषि का काम है, जहां पर हमारे देश के 75% जनसंख्या लगी हुई है, वह काम देश के 25 लोग भी कर सकते हैं, 25% ही लोग कर सकते हैं। और बाकी 50% लोगों को क्या करना चाहिए? तो और क्षेत्र में जाना चाहिए, जैसे सेवा क्षेत्र हो गया और जो द्वितीयक क्षेत्र है उसमें, आप उसमें जाइए। इससे क्या होगा देश का? तो 3 गुना 4 गुना क्या होगा? विकास होगा। एक बार और समझिए, इकोनॉमिक्स को समझने के लिए आपको ये जानना जरूरी है कि किसी भी देश में अगर कृषि क्षेत्र में अगर लोगों की भागीदारी ज्यादा रहती है, समझ रहे हैं, ज्यादा ज्यादा लोग कृषि कर रहे हैं, उसमें सभी लोग भाई कृषि में ही लगे हुए हैं, और काम कौन करेगा? बस कौन चलाएगा? रेल कौन चलाएगा? ड्राइवर कौन बनेगा? फिर से पायलट कौन बनेगा? इंजीनियर कौन बनेगा? राजा, मतलब सॉरी, ठीक है, ये सब कार्य कौन करेंगे? आईएएस कौन बनेगा? फिर आर्किटेक्चर कौन बनेगा? ये सारी बातें हैं कि नहीं है? तो बहुत सारी चीजें थी ना, जब तक आर्किटेक्चर नहीं होंगे, मिस्त्री नहीं होगा, लेबर नहीं होगा, अरे भाई और भी तो काम है, वहां पर जाइए। यही समस्या थी हमारे देश में। तो एक बात समझ लीजिए, हमारे देश जब आजाद हुआ उसमें हमारे देश में 75% लोग किस पर आश्रित थे? तो कृषि पर। आप समझिए, इस क्षेत्र में उत्पादकता बहुत ही कम थी। अब समस्या ये भी थी कि भाई हमारे देश में 75% लोग भी लगे हुए हैं और उत्पादकता भी कमी है।
कारण क्या है? कारण यह नहीं है कि जो है 75% लोग जो है, कारण है कि वहां पर टेक्नोलॉजी की दिक्कत है। अब आगे देखिए, क्योंकि पुरानी प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जाता था, यानी यहाँ पर जो है पुरानी टेक्नोलॉजी, वही जो है दो बैल रहेंगे, एक हल रहेगा भाई, दो लोग उसमें लगे रहेंगे, एक कोई से कोन उन कोड़ेगा, इसमें लोग मतलब चार पांच लोग इसी में लगे रहते थे कई खेत में। यह अगर एक क्यों भाई, जाहिर सी बात है कि एक लोग से तो खेत जोता नहीं जाएगा, 10 लोग जोतेंगे, अनाज उतना ही होगा। और अधिसंख्य किसानों के पास आधारिक संरचना का भी नितांत जो है अभाव था। आधारिक संरचना क्या होती है? आपकी जो मूलभूत जो आवश्यकता होती है कृषि के लिए, जैसे कि मान लीजिए पानी की व्यवस्था नहीं है, बीज की व्यवस्था नहीं है, खाद की व्यवस्था नहीं है, नाली नहीं है वहां पर, मतलब बहुत सारी समस्याएं जो है आधारिक संरचना, जिसके बिना कृषि नहीं हो सकती है। समझ आ रहा है? इसकी जो है अभाव था किसके पास? हमारे भारतीय किसानों के पास। भारत की कृषि मानसून पर निर्भर थी, समझ रहे हैं आप लोग? मानसून पर निर्भर, यानी अगर मान लीजिए आपने धान की रोपाई कर दी और आपके पास जो है वो क्या कहते हैं उसका, ट्यूबवेल नहीं है, कुआं नहीं है, आपके पास तालाब नहीं है, तो किस पर निर्भर रहेंगे आप लोग? बारिश पर। क्या पता बारिश हो या ना हो, है कि नहीं है? तो आपका जो फसल जो आपने बोया है उस मौसम के भरोसे, तो वैसे भी जलवायु परिवर्तन हो ही रहा है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? तो इसमें कठिनाई देखने को मिलेगा और आपकी फसल खराब हो जाएगी, ठीक है ना? यदि मानसून स्तर कम होता था तो किसानों को कठिनाई होती थी, क्योंकि उन्हें सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी। इसी सिंचाई पर भी बहुत सारे काम हुए हैं। यह थोड़ा सा मैं बता दूं कि देखिए, आपको अगर ट्यूबवेल वेल चाहिए, तो अगर आप तहसील में जाएंगे, अपने आसपास के जो तहसील होता है, अगर उस तहसील में जाते हैं, तो वहां पर आपको जो है फ्री में जो है ट्यूबवेल जो है आपके जमीन में लगाई जाएगी, थोड़ा बहुत पैसे लेकर लगाई जाती है, ठीक है, वहां पर आप जाकर लगवा सकते हैं। यह सुविधा कुछ ही किसानों के पास थी, यानी बहुत कम लोग थे जिनके पास सिंचाई की सुविधा थी, यानी अपना ट्यूबवेल था या मतलब कोई व्यवस्था थी। औपनिवेशिक काल का कृषि गतिरोध हरित क्रांति से स्थायी रूप से समाप्त हो गया। अब देखिए, जब हरित क्रांति आया, कौन सा क्रांति? ग्रीन रिवॉल्यूशन, ठीक है, यानी हरित क्रांति जब हम लोग के देश में आता है तो सारी प्रॉब्लम समाप्त हो जाती है। इसका तात्पर्य उच्च पैदावार वाली जो किस्मों के बीजों, जिसे हम लोग HYV के प्रयोग से है, विशेषकर गेहूं तथा चावल उत्पादन में वृद्धि से। अब देखिए, जो हरित क्रांति किया गया, हरित क्रांति में क्या किया गया? तो जो जो उच्च किस्म वाली, जो उच्च पैदावार वाली जो किस्म के जो बीजे हैं उनका प्रयोग किया गया। जैसे कि मतलब गेहूं में क्या किया गया, देखिए गेहूं को लेकर के उसको हाइब्रिड किया गया, समझ रहे हैं आप? कि जो अगर आप एक गेहूं बोते हैं तो उसमें से 10-15 उसमें से लाफे निकले, ठीक है ना? तो यही क्या है, तो ये मतलब गेहूं की उपज बढ़ जाए, कहने का मतलब यही है कि जितना आप मतलब मान लीजिए अगर आप 5 केजी गेहूं छींटते हैं 1 बीघा खेत में, तो आपका उपज मतलब होता है 20 केजी, लेकिन आप वही गेहूं आप 5 केजी छीटेंगे तो आपका उपज कितना हो जाएगा? तो उसका जो है 20 गुना हो जाएगा। ऐसा क्यों हो रहा है? तो ये हाइब्रिड गेहूं है, ठीक है, हाइब्रिड गेहूं आप इतना याद रखेंगे कि हाइब्रिड गेहूं है, और गेहूं को क्या किया गया, तो हाइब्रिड किया गया है यहाँ पर, ठीक है, और इसे उच्च मतलब इसकी ताकत बढ़ाई गई कि मतलब ये ज्यादा से ज्यादा क्या कर सके, जनन कर सके, जनन, समझ रहे हैं आप लोग? इन बीजों के प्रयोग के लिए पर्याप्त मात्रा में उर्वरकों, कीटनाशकों तथा निश्चित जल पूर्ति की भी आवश्यकता थी। अब यहाँ पर एक और समस्या है कि इन बीज का अगर आप उपयोग करेंगे तो आपको जो उर्वरक की भी जरूरत पड़ेगी। उस समय की बात करें, आज तो भाई आधुनिक हो चुका है बहुत चीजें, तो उसमें क्या चाहिए आपको? उर्वरक चाहिए, यानी खाद भी चाहिए, कीटनाशक को भी चाहिए, यानी कीट जो है कीटों को मारने वाला भी चाहिए, ठीक है, और आपको जो जो है जल पूर्ति भी चाहिए, यानी कि मतलब एक जल का भी साधन चाहिए, ठीक है। इन आगतों का सही अनुपात में प्रयोग होना भी महत्वपूर्ण है। बीजों की अधिक पैदावार वाली किस्मों से लाभ उठाने वाले किसानों को सिंचाई की विश्वसनीय सुविधाओं और उर्वरकों तथा कीटनाशकों आदि की खरीदारी के लिए एक वित्तीय संसाधनों की आवश्यकता थी। अतः हरित क्रांति के पहले चरण में लगभग 1960 के दशक से जो है 1970 के दशक के मध्य, समझ रहे हैं ना, यानी 10 साल पहले दशक में जो है HYV है, हाइब्रिड जो बीज है, इसका प्रयोग कहाँ कहाँ हुआ ये समझ लीजिए। यानी जो हरित क्रांति का जो पहला फेज था उसमें जो है पहला कहाँ होता है, तो पंजाब, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु जैसे अधिक समृद्ध राज्यों तक ही सीमित रहा। यानी 3 स्टेट ऐसे रहे हैं जहाँ पर जो है जो हाइब्रिड जो बीजें हैं, यानी उच्च पैदावार वाली जो किस्म की जो बीजें हैं, इनका प्रयोग कहाँ पर हुआ, इन जो है पहले से ही डेवलप जो क्षेत्र में वहाँ पर हुआ है, ठीक है। इसके अतिरिक्त HYV बीजों का लाभ केवल
गेहूं पैदा करने वाले क्षेत्रों को ही मिल पाया। यानी पहली बार जब ये उच्च पैदावार किस्म वाली जो बीज बनी ना, किस में लागू थी, तो गेहूं और चावल के लिए दोनों में लागू थे, लेकिन किसका पैदावार मिल पाया, गेहूं का। यानी अत्यधिक गेहूं मात्रा में अब होने लगा, ठीक है, हमारे देश में। हरित क्रांति के द्वितीय चरण 1970 के दशक से 1980 के दशक तक क्या हुआ, ये देखते हैं कि तो जो है HYV बीजों की प्रौद्योगिकी का विस्तार कई राज्यों तक पहुंचा और कई फसलों को लाभ हुआ। यानी यहाँ पर डेवलप होता है, पहला फेज कब से था, 1960 से लेकर 1970 तक। तो यहाँ पर जो है कुछ कुछ राज्यों में, जैसे कि आप आंध्र प्रदेश हो गया, पंजाब हो गया, तमिलनाडु हो गया, तीन राज्य से डेटा में दिया हुआ है। तो यहाँ पर इसका जो है बेनिफिट, यहाँ पर ये लोग ज्यादा उठा पाते हैं इन फसलों का, इन हाइब्रिड बीजों का। लेकिन बाकी जगहों पर इसका जो है उतना बेनिफिट नहीं मिल पाता है, ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग। लेकिन जब इसका सेकेंड फेज आता है, तो इसमें टेक्नोलॉजी में थोड़ा सा बदलाव हो चुका था और यहाँ पर अब कई फसलों को क्या मिल रही है, तो इसका लाभ मिल पा रहा है। इस प्रकार हरित क्रांति प्रौद्योगिकी के प्रसार से भारत को खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त हुई। अब देखिए, जब वो हम लोग आजाद हुए थे, ठीक है, हम लोग के पास खाने के लिए कुछ नहीं था। अगर आप भी समझिए ना कि आज भी ऐसे गरीब फैमिली मिल जाएंगे, वहां पर दिक्कत क्या है कि उनको खाने के लिए नहीं है, और सबसे मूलभूत आवश्यकता है आपका पेट, ठीक है, उसको खाना तो चाहिए ही। और जब तक आपका पेट भरा नहीं होगा, आपकी बुद्धि काम नहीं करेगी। तो हमारे देश के पास भी एक ऐसी समस्या थी, समूचे भारत में, पूरे भारत में यही समस्या थी कि किसी तरह क्या किया जाए। पहले हम लोग बाद में देखेंगे कि प्रोटीन मिल रहा है कि मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, पहले हम लोग क्या देखें, पहले पेट तो भरे, नहीं तो जीवन मरण का सवाल था। बात समझ आ रही है आपको। तो सबसे पहला क्या था कि पहले हम लोग जो है इसकी पैदावार को बढ़ाएं, बाद में इसकी क्वालिटी देखेंगे, ठीक है ना, बाद में फिर इसमें परिवर्तन होता गया होता गया। लेकिन कम से कम भाई पेट तो भरा उस समय, तात्कालिक रूप में वह सही था, ठीक है। आगे देखते हैं, तो 1980 तक क्या हो गए आप लोग, 1980 तक हमारा जो भारत है वो खाद्यान्न में आत्मनिर्भर हो जाता है, किसमें, खाद्यान्न में। अब भारत अपने खाद्य संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अमेरिका या किसी अन्य देश की कृपा पर निर्भर नहीं थे। जैसे कि हम लोग जो है एक बार अमेरिका से राशन मंगाए थे, ठीक है, यदि किसान बाजार में बेचने की जगह इस उत्पादन का अधिकांश भाग स्वयं ही उपभोग करे, तो अधिक उत्पादन से अर्थव्यवस्था पर कुल मिलाकर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरी ओर यदि किसान पर्याप्त मात्रा में अपना उत्पादन बाजार में बेच सके, तो अधिक उत्पादन का निश्चय ही अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ सकता है। किसानों द्वारा उत्पादन का बाजार में बेचा गया अंश से विपणित अधिशेष कहलाता है। यहाँ पर एक आप एक वर्ड समझ लीजिए, विपणित जो है अधिशेष, यानी जो है मतलब इन लोग से जो उबर जा रहा है खाने से। मान लीजिए एक किसान है, आप गांव में हैं, अगर आपके पास 2 बीघे की जमीन है, ठीक है, कितने की जमीन है, 2 बीघे की, आपके इसके पहले परिवार थे 5 लोगों की, 5 लोग इस पर आश्रित थे। जब HYV नहीं आया था, उच्च पैदावार वाली नहीं आया था, बीज नहीं आया था, यहाँ पर आप फसल बो रहे थे, तो मुश्किल से हो रहा था 2 क्विंटल, जो आपके साल भर के लिए खाने के लिए हो पा रहा था। लेकिन अब इसी खेत में आप जो है हाइब्रिड वाली बीज आप इसमें बोते हैं इसमें, तो इसमें कितनी फसल हो रही है, इसमें अब फसल हो रही है 20 क्विंटल, आपके पास 18 क्विंटल क्या हो रहा है, तो अधिशेष हो रहा है। तब आप इस 18 क्विंटल क्या करिए, लाकर बाजार में बेचिए और उसे मुनाफा कमाइए, समझ रहे हैं आप लोग। हरित क्रांति काल में किसान अपने गेहूं और चावल के अतिरिक्त उत्पादन का अच्छा खासा भाग बाजार में बेच रहे थे। इसके फलस्वरूप जो है खाद्यान्न की कीमतों में उपभोग की अन्य वस्तुओं की अपेक्षा कमी आई। अपनी कुल आय के बहुत बड़े प्रतिशत का भोजन पर खर्च करने वाले निम्न आय वर्गों की कीमतों में इस सापेक्ष कमी से बहुत लाभ हुआ। मतलब अगर कोई भी जो है सामान है वो सस्ता होता है, सबसे अधिक लाभ किसको होता है, तो गरीब फैमिली को ही होती है, ठीक है। हरित क्रांति के कारण सरकार पर्याप्त खाद्यान्न प्राप्त कर सुरक्षित स्टॉक बना सके, जिससे खाद्यान्नों की कमी के समय प्रयोग किया जा सकता है। अब देखिए क्या हुआ, जब ये नियम लाया गया, तो सरकार ने क्या किया, भारत सरकार ने एक स्टॉक बनाया खाद्यान्न का, और बनाया है और भी बनाना चाहिए। कि मतलब समझिए, हम लोग के देश में यानी भारत में मतलब एक ऐसा स्टॉक है, एक ऐसा बहुत बड़ा जो है एक जगह है, जहां पर हमारे जो है 3 साल के लिए जो है क्या किया गया है, तो गेहूं और चावल को स्टोर करके रखा गया है। दुविधा की बात यह है कि सिर्फ गेहूं और चावल को ही रखा गया है, क्या किसको रखा गया है, गेहूं और चावल को, यहाँ पर दाल वाल आपको नहीं देखने को मिलेगा। और इन द फ्यूचर क्या होता है कि हमारे पूरे भारत देश में अगर 1 साल गेहूं ही नहीं होती है, पूरा पूरा अगर अकाल पड़ जाता है फसलों में, तो हमारे भारत सरकार के पास यह ताकत है कि उस गेहूं को
जिसने गेहूं और चावल को स्टोर किया है, वो 3 साल आपको बैठा कर आप लोग। इसका एग्जाम्पल भी आपने देखा किसमें, COVID-19 में सरकार कैसे राशन देती है। लेकिन याद रखेंगे, सरकार दे रही है तो इसका मतलब नहीं कि वो कोई पार्टी दे रही है, वो सरकार आपको देगी ही, क्योंकि कोई भी सरकार आप चुन रहे हैं ना अपने ही बेनिफिट के लिए। तो जब आप मुश्किल में हो तो आपको जो है वो हेल्प तो करेगी, नहीं करती है तो फिर दिक्कत है। इतना समझ में आपको, आगे देखते हैं। यद्यपि हरित क्रांति से देश बहुत लाभान्वित हुआ है, पर यह प्रौद्योगिकी पूरी तरह निरापद नहीं है। एक जोखिम यह था, इससे छोटे और बड़े किसानों के बीच असमानताएं बढ़ने की भी संभावना थी। अब जाहिर सी बात है भाई, जिसके पास सोचिए ना, जिसके पास मान लीजिए 1 ही बीघा खेत है, वो कितना बो पाएगा? बहुत होगा 10 क्विंटल उसका गेहूं होगा। लेकिन किसी किसान के पास सोचिए इतना भूमि है, 100 100 बीघा भूमि है, तो इसमें इसमें अब बोएगा तो किसान क्या हो जाएगा? दोनों ही किसान थे, दोनों की उपज पहले कम हो रही थी, अपने ही पेट भर रहे थे। लेकिन जैसे ही SYB आया, उच्च पैदावार वाली बीजें, इसको इसमें बोया भाई, इसका कम इतना हुआ कि चलो खर्चा चला पाएगा अपना। लेकिन इसके पास तो इतना हो गया कि इसको बाजार में बेच करके एक व्यापारी बन सकता है, समझ रहे हैं आप लोग? इसका एक डर था कि भाई असमानता बढ़ जाएगी, क्योंकि केवल बड़े किसान अपेक्षित आगतों को खरीदने में सक्षम थे। अब देखिए, भी समस्या थी कि जो ये बीज है आपको हर साल नहीं खरीदनी पड़ेगी, जो ये बीज जो बोई जा रही है, आप जो है एक बार बो देंगे तो अगली साल आपको फिर क्या करना होगा, तो नए बीज खरीदने होंगे। तो भाई नए बीज कौन कौन खरीद पाएगा? जो बड़े किसान होंगे, जिससे उन्हें हरित क्रांति का अधिकांश लाभ प्राप्त हो जाता था। इसके अतिरिक्त इन फसलों में कीटनाशकों के आक्रमण की भी संभावनाएं थी। ऐसी दशा में इस प्रौद्योगिकी को अपनाने वाले छोटे किसानों की फसल का सब कुछ नष्ट हो जाता है। सौभाग्यवश सरकार द्वारा किए गए कुछ उपायों के कारण यह आशंकाएं सत्य साबित नहीं हुई। सरकार ने क्या किया, तो निम्न ब्याज दर पर छोटे किसानों को ऋण दिया। इसके लिए भी क्या किया गया, तो छोटे छोटे मतलब आपको जो है ऋण मिलते हैं, किसानों को ऋण मिलते हैं बहुत कम ब्याज पर, मामूली से ब्याज होता है उस पर, जो किसानों को ऋण मिलते हैं, यानी क्या मिलते हैं, पैसे उधार पर मिलते हैं, बैंक देती है। बहुत सारे सहकारी बैंक है, उसमें आपको जो है RRB बैंक होगी, रीजनल रूरल बैंक जो होते हैं, ग्रामीण बैंक में आपको देखने को मिलेगा। तो उसे क्या करती है, आपको तो ऋण देती है, आपको भी मिल जाएगा अगर आप चाहेंगे तो। उर्वरकों पर आर्थिक सहायता दी, समझ रहे हैं यहाँ पर? उर्वरक पर क्या किया इसने, यहीं से सब्सिडी की बात निकल कर आती है, जो आज मिलता है सब्सिडी। तो जो उर्वरक खरीदेंगे तो उस पर क्या मिलेगा आपको, तो आर्थिक सहायता। यही आर्थिक सहायता क्या है, सब्सिडी है। सब्सिडी का मतलब भाई देखिए, जो देखिए मान लीजिए 500 रुपये का आपका खाद है, इस मान लीजिए 500 रुपये का एक खाद है, ठीक है, क्या है, खाद है, खाद है, ठीक है। और इस खाद को जो है एक अमीर खरीदने जाएगा, एक अमीर किसान होगा वो खरीदेगा, तो उसको कितने में मिलेंगे, 500 में। लेकिन अगर एक गरीब व्यक्ति का जो है किसान है, गरीब किसान है, तो उसको क्या मिलेंगे इसमें, 300 रुपये या 200 रुपये इसमें सब्सिडी मिल जाएंगे। 200 रुपये इसमें सरकार दे देगी, यानी 200 रुपये उसके लिए छूट है। वो किसको कितना पे करना होगा, 250 या 300 ही पे उसको करना होगा, समझ रहे हैं? इससे क्या हुआ उसका, सरकार इसमें सहायता दे रही है ताकि छोटे किसानों को ये आवश्यक आगत उपलब्ध हो सके। छोटे किसानों को इन आगतों के प्राप्ति से छोटे खेतों की उपज और उत्पादकता भी समय के साथ बड़े खेतों की पैदावार के बराबर हो गई। इस प्रकार हरित क्रांति से छोटे बड़े के सभी किसानों को लाभ मिला। सरकार द्वारा स्थापित अनुसंधान संस्थानों की सेवाओं के कारण छोटे किसानों के जोखिम भी कम हो गए, जो कीटनाशकों के आक्रमण से उनकी फसलों की बर्बादी के कारण बने हुए थे। यदि सरकार ने इस प्रौद्योगिकी के लाभ छोटे किसानों को उपलब्ध कराने के लिए व्यापक प्रयास नहीं किया होता, इस क्रांति का लाभ केवल धनी किसानों को ही मिलता। सरकार ने क्या किया, इसकी समुचित व्यवस्था किया उस समय, कि भाई जो छोटे किसान थे उसके लिए जो है मतलब एक तरह से सब्सिडी की जो व्यवस्था की, आप कितना समझिए, सब्सिडी। तो हम लोग कल देखेंगे भाई सब्सिडी क्या है, सब्सिडी पर बहुत सारी बहस भी होती है, सब्सिडी देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए, किसको देनी चाहिए, कितना देना चाहिए, बहुत सा मुद्दा बना हुआ है आज भी, तो इसको हम लोग कल देखेंगे। और सब्सिडी को समझेंगे कि भाई आपको जो है गैस पर जो सब्सिडी मिलता है और जो है बाकी चीजों पर सब्सिडी मिलता है तो क्यों मिलता है। ठीक है, आशा आप लोग को जो है हरित क्रांति समझ में आया होगा। तो कल देखते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक। धन्यवाद।